नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैसे तो बहुत ही शानदार एक्टर हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अकेले मेन लीड रोल प्ले करा है किसी मूवी के अंदर तो मैक्सिमम मूवीज फ्लॉप हुई है। एग्जांपल ले सकते हैं अपन अफवाह, मोतीचूर चकनाचूर, बाबू मोशाय बंदूकबाज, तो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई है। और अभी रिसेंटली उनकी मूवी आई जोगीरा सरारा, जिसका पहला डे का कलेक्शन आया सिर्फ 40 लाख रुपए, मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा, तो देखते हैं ये मूवी कवर भी कर पाएगी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी फ्लॉप हो सकती है। चलो मूवी की बात करते हैं, तो ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसमें रोमांस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, कॉमेडी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक कैरेक्टर है जोगी नाम का, जो कि बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू होता है, और इसका रोल प्ले कर रहे हैं नवाजुद्दीन जी। इस इंसान के जुगाड़ कभी फेल नहीं होते। अब वैसे तो ये काम करते हैं सभी की शादियों के अरेंजमेंट करवाने का, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन नेहा शर्मा जी की, जिनकी शादी का जिम्मा इनको दिया जाता है सारे अरेंजमेंट्स का। लेकिन हमारी जो हीरोइन है वो डिमांड करती है इनसे कि भाई शादी करवाओ, शादी तुड़वाओ अपने कैसे भी कोई भी जुगाड़ लगा के। अब इतनी सुंदर लड़की बोलेगी तो हमारे जोगी भैया कैसे पीछे हट सकते हैं, तो जोगी भैया उनकी बात मान लेते हैं और लग जाते हैं शादी को कैसे भी तुड़वाने में, तो अपने वो सारे जुगाड़ लगा देते हैं, और इसी जुगाड़ों को दिखाते दिखाते 90% मूवी खत्म हो जाती है। वैसे जोगी भैया को औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके घर की औरतें ही उनको चैन से जीने नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने कसम खा रखी थी वो कभी शादी करके एक और औरत अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन मूवी के अंदर दिखाया गया कि लास्ट में वो शादी कर लेते हैं और अपनी कसम तोड़ देते हैं। तो देखा जाए तो मूवी के अंदर कोई तगड़ी सी स्टोरी लाइन या कुछ नहीं है, सिर्फ मूवी का पूरा फोकस है जोगी के जुगाड़ों पर। और वैसे इस मूवी में जो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, वो जो एक सीन रोमांटिक सीन उन्होंने क्रिएट करा है वो नहीं करते तो ज्यादा बेटर लगता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं, तो इसको जुगाड़ तक ही रखा जाता मूवी के अंदर तो ज्यादा बेटर रहता। वैसे मूवी को देखने के बाद ऐसा लगा कि पूरा का पूरा भार नवाजुद्दीन जी अकेले ही झेल रहे थे इस पूरी मूवी का, क्योंकि साइड कैरेक्टर्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, ना इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी थी उनकी कि मूवी के अंदर जान आ जाए। अगर थोड़े से कैरेक्टर्स और अच्छे होते तो थोड़ा अलग मजा आ जाए। नवाजुद्दीन जी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि डायलॉग्स एकदम ऑन पॉइंट थे, कॉमेडी ऑन पॉइंट थी, और मूवी के अंदर इन्होंने एक अलग ही जान डाल दी। और साथ ही संजय मिश्रा जी की भी कॉमेडी इसमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। वैसे एक और चीज इसके अंदर बहुत अच्छी करेगी, बेफिजूल के गाने जो आजकल बॉलीवुड घुसा देता है मूवी के अंदर फ्लो बिगाड़ने के लिए, वो इसके अंदर नहीं करें। एक दो गाने हैं जो कि चलते हैं, और अगर गलती से 2-3 गाने और ऐड कर देता तो इसका मूवी का 100% कवाड़ा हो जाता। और वैसे इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 में से 2.5 स्टार। अगर आपका मन है एक बार देखने का तो आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं इसको देखने के लिए। फैमिली वॉच मूवी है, एक बार आप जरूर देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।